गठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि दोनों विधायक डॉक्टर हो वहां तो चिकित्सा का हाल बेहाल है, तो बाकी जगह पर क्या हाल होगा। 3,00,000 जनसंख्या वाले हमारे जिले में मात्र 82 ऑक्सीजन बेग उपलब्ध होगा, चिंताजनक बात है। और ये भी कहा कि आने वाले कठिन समय में सरकार हमारे जिले में कैसे रोकथाम कर पाएगी कोरोना से। नौ बिंदुओं पर विशेषकर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो उपचुनाव से लेकर पिछले महीने तक का केस लोड है वो 47 से 10,916 हो चुका है। इतनी तेजी से केस लोड में वृद्धि देश के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं देखी गई। दूसरी बात ये कि 3,36,000 जनसंख्या के जिले में कोरोना के उपचार के लिए मात्र 82 NIV ऑक्सीजन रहित बिस्तर उपलब्ध है। 3,50,000 लोगों के बीच में मात्र इस वक्त आपको ले चलते हैं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन PGI पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे शहनवाज हुसैन, डॉक्टरों से मिलकर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन PGI पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने शहनवाज पहुंचे हैं। उनका हालचाल जाना है उन्होंने, और खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है, इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन PGI पहुंचे हैं और उनका हालचाल जानने के लिए उनको देखने के लिए PGI पहुंचे हैं। वहीं डॉक्टरों से मिलकर उनकी सेहत के बारे में भी जानकारी ली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की नाजुक हालत बनी हुई है। वहीं उनसे मिलने के लिए शहनवाज हुसैन भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और डॉक्टरों से उनका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा भी कल्याण सिंह को देखने के लिए PGI पहुंचे थे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन PGI पहुंचे। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत से जानना चाहेंगे, भरत, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बेहद नाजुक हालत बनी हुई है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब फिलहाल उनकी हालत किस तरीके से देखने को मिल रही है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि नाजुक बनी हुई है उनकी हालत। पहले वो लोहिया में PGI में जो क्रिटिकल होती गई उनको मेडिकल अटैक आया, उसके बाद PGI को भर्ती करवाया गया। PGI में वरिष्ठ डॉक्टर में लगातार उनपे निगरानी, और कल मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और तमाम मंत्री बड़े नेता भी शामिल थे जो